बोल भैया स्वामी जी, जितेंद्र सिंह फिर संडा करने देखिए, बहुत दुख की बात है, मन में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, आंखों से आंसू छलक रहे हैं कि हम खुद इनको आज इनके साथ कोर्ट जा रहे हैं। परंतु हमने ये कल रात को मीटिंग की है, हमारी परिषद ने मीटिंग की है, हमारे जितने भी संत महात्मा हमारे यहाँ के समाज के व्यक्ति सब ने ये किया है कि इनका साथ दिया जाएगा और कानूनी लड़ाई जो होगी वो लड़ी जाएगी। जिस तरह से जब से वो हिंदू बने हैं तब से लगातार उनके खिलाफ, देखिए मैंने आपको कहा कि समय बोलना कुछ मैं समझता हूँ उचित नहीं है, कोई खुशी का समय नहीं है, इस समय मन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है और आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बोलना मैं समझता उचित नहीं है, क्योंकि कहीं लोगों ने इनको कहा कि भाई आपने सनातनी बन के आपको क्या मिला, ये सब चीज़ें हम सब हिंदुओं को देखनी है और सब हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और एक होके ही तभी जा करके घर वापसी संभव है, नहीं तो घर वापसियाँ नहीं होगी, ये आप नोट कीजिए। गुरु जी, इतना समय हुआ संत बनने की एक वार्ता चल रही थी कि संत बनाया जाएगा, देखिए संत बनाया नहीं जाता, आप वाकई संत हैं, आप हमसे भी अच्छे संत हैं, आप विद्वान हैं, हम इतना नहीं जानते, वेद उपनिषदों के ज्ञाता है आप, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ये संत है, ये संत मन से होते हैं, कपड़े से नहीं होते, आप तो संत हैं और वहाँ से आकर के आप संत बनेंगे, और आप संत नहीं आप महामंडलेश्वर बने, क्योंकि ज्ञानी है जिसके पास, मैंने पहले भी कहा था जो ज्ञानी होता है वही महामंडलेश्वर बनता है, तो आप में कौन सी ऐसा उपनिषद है जो आपने नहीं पढ़ा है, गीता के बारे में, रामायण के बारे में, भागवत के बारे में, जो भी आप इनको पूछो सबके ज्ञाता आप हैं, क्योंकि आप तो वाकई हिंदू थे, इनके जो पूर्वज है वो सब हिंदू थे, ये घर वापसी है, परंतु हम जो हिंदू है, सनातनी है, साधु संत है, हमने इनको इतना सहयोग नहीं दिया, ये मन में बहुत तकलीफ है, बहुत दुख हो रहा है, जो दिल पे गुजरती है खबर तुझको क्या नासा, कुछ हमसे सुना होता फिर तो ने कहा होता।